92.7 Big FM पर आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज मशहूर फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया के साथ। नमस्कार, मैं हूं भावना सोमाया और आप सुन रहे हो बिग टॉकीज 92.7 बिग एफएम पर। और आज हमारे साथ है मेरी फेवरेट एक्ट्रेस मनीषा कोइराला। मनीषा, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू भावना, थैंक यू सो मच। आपकी कहानी शुरू होती है नेपाल में। जी। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दोस्त, आपका दोस्त राकेश रिश्ता ने आपके बारे में बात की थी सुभाष घाई से। आपकी तस्वीरें भी दिखाई थी शायद। जी बिल्कुल, यस। और सुभाष घाई उस वक्त प्लान कर रहे थे सौदागर। यस, बेसिकली राकेश के साथ मैंने फोटोशूट किया था, तो उस वक्त आई थिंक माधुरी जी थी वहाँ पे, तो वो उन्होंने शायद मेरी तारीफ की थी सुभाष जी के साथ। और सुभाष जी को मैं मिली थ्रू मीना अय्यर। तब तक सुभाष जी को आई थिंक माधुरी जी ने और राकेश ने कुछ बता दिया था मेरे बारे में। डोर्स आर ऑलरेडी ओपन्ड एंड आई वाज वेरी वेरी नर्वस एज यू कैन इमेजिन। बट देन देयर वर फ्यू वंडरफुल थिंग्स अबाउट सुभाष जी। ही सेड, मनीषा, अगर मैं तुमको इस पिक्चर में नहीं लूँ तो तुम ये नहीं समझना कि तुम में कुछ खामी है। मैं अगर तुमको नहीं लूँगा तो इसी कारण से नहीं लूँगा कि तुम उस कैरेक्टर में, उस किरदार में फिट नहीं होगी। So it's nothing to do with you personally, it's got to do with my character and the requirement of my character. That was a really encouraging statement to come from a big filmmaker, and I felt at ease then, and of course ke baad that rest is the history. Aur aap Hindi se waqif tha? Actually main all my life main padhi hu Banaras mein aur Dilli mein. Hindi to mujhe aata tha lekin mera spoken language English tha. इसी बीच जब मैं बॉम्बे आई थी तो मैंने शेखर कपूर से भी मेरी मुलाकात हुई थी, तो शेखर ने मुझे कहा था कि मनीषा स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, सॉरी इन हिंदी, क्योंकि तुमको वही लैंग्वेज बोलना पड़ेगा और तुमको उसमें ही सोचना भी पड़ेगा। आई वॉज प्रैक्टिसिंग, आई एम अ नेपाली हु स्पीक्स इंग्लिश, हु हैज स्टडीड इन इंडिया, तो हिंदी तो मुझे आती थी लेकिन सब कुछ खिचड़ी था। और हिंदी फिल्में देखते थे? बिल्कुल, पूरे की पूरी खानदान हमारी, जो कोइराला खानदान थी, जो मेरी दादी से लेके मेरे अंकल आंट सब लोग, कजन लोग, हम लोग तो हर संडे को वी यूज्ड टू वॉच मूवीज एंड वी यूज्ड टू गो, पूरा जमात हमारा, पूरा फिल्म हॉल में पूरा रो हम लोग का होता था। और समझ में आती थी? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। मैं बनारस में पढ़ी हुई हूँ, जी जी, तो बनारस की हूँ तो मुझे हिंदी क्यों नहीं आएगा। इस नॉन हिंदी स्पीकिंग एक्ट्रेस ने माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी जैसी दिग्गज एक्ट्रेसेस के बीच में अपनी जगह बनाने के लिए क्या फॉर्मूला इस्तेमाल किया, जानेंगे थोड़ी देर में। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम, मेरे यानी भावना सोमाया के साथ बिग टॉकीज। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज मशहूर फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया के साथ। मैं हूं भावना सोमाया और आप सुन रहे हो बिग टॉकीज 92.7 बिग एफएम पर। और हमारे साथ है एक ऐसी एक्ट्रेस जो बेहतरीन कलाकार है मगर बहुत अच्छी हिंदी नहीं बोलती, तो क्या हुआ, मनीषा कोइराला। आपके बारे में दो बातें मशहूर थी। एक तो मनीषा कोइराला इस पोर्सलिन ब्यूटी, ऐसा लगता है कि जैसे छुओगे तो मार्क रह जाएगा, इतनी खूबसूरत। और दूसरी कि आप ही एक्ट्रेस को कॉपी नहीं करते थे, आपने अपनी एक खुद पहचान बनाई थी। और ये मुश्किल है क्योंकि आप बहुत सारी फिल्में देखती थी, आपके भी फेवरेट हीरोइंस रही होगी। डेफिनेटली दिमाग में कभी ना कभी वो चलता है। डेफिनेटली देयर आर सो मेनी ब्रिलियंट एक्ट्रेसेस अहेड ऑफ मी एंड लाइक माधुरी जी, आई हैव एडमायर्ड हर, और मैं कितना भी कोशिश करूं मैं उनकी जैसे डांस तो कभी कर ही नहीं पाऊंगी। तो बट लेकिन फिर भी उस वक्त कोशिशें जारी थी, गिव अप करना नहीं था, तो एकदम ही उसमें। और जो श्रीदेवी जी थी उनका उस वक्त के दौरान जो कॉमेडी सीक्वेंस उनका करती थी, तो हर टाइमिंग्स इन टर्म्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन एंड कॉमिक सेंसिबिलिटी, एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट। तो अब मुझे मालूम था कि मैं वो करूँगी तो एकदम आई विल फॉल फ्लैट ऑन माई फेस। वो लोग तो परफेक्शन थी वहाँ पे। सो आई ट्राई टू डू माई ओन वे विच वॉज टू बी नेचुरल। तो पुराने ज़माने की अगर हम बात करें तो आपकी कौन फेवरेट एक्ट्रेसेस रही
इतना मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि आपकी शक्ल मीना कुमारी से मिलती थी. Really? और जब आप रोते हो तब मीना कुमारी की तरह रोते हो. No, she was gorgeous. Yeah. What a performer. What yeah. a performer. I think those were the days of, you know, जो एकदम आजकल जो भी है ना, जैसे कि दीपिका है, कंगना रनौत है, जो आजकल में जो एकदम टैलेंट से भरा हुआ इंडस्ट्री है ना, मुझे लगता था उस वक्त भी गोल्डन एरा था. तो आपको लगता है आपके समय में इतना नहीं था? क्योंकि आप कह रहे हो ना जो आज है वो तब था. हाँ, मुझे लगता है तब फिल्में इतनी अच्छी नहीं बन रही. हाँ, यू आर राइट, एब्सोल्युटली. एक टाइप की बन रही थी. यस, फॉर्मूला फिल्म्स बन रही थी. यस, और उसमें आप, माधुरी और श्रीदेवी सारे दब रही थी. यस, वो एक मैकेनिकल टाइप का वो. आई मीन इट्स गुड एंड इट्स ग्रेट एंड वट एवर, बट आई दैट व्हाट यू कॉल दैट ऑर्गेनिक, that natural, that thing was not able to come out. और ये आपकी natural acting को बहुत सारे filmmakers ने सराहा. आपने बड़े बड़े actors के साथ काम किया और आपको मिला मौका तीनों खान के साथ काम करने का. थोड़ी देर में जानेंगे कि सबसे बेहतर खान कौन है. बने रहिए बिग टॉकीज पर मेरे यानी भावना समाया के साथ 92.7 बिग FM. और आज की खास मेहमान है मनीषा कोइराला. 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज, मशहूर फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सुमाया के साथ. 92.7 बिग FM पर आई एम भावना सुमाया एंड यू आर लिसनिंग टू बिग टॉकीज विथ माय नॉन हिंदी स्पीकिंग एक्टर फ्रेंड मनीषा कोइराला. तो मनीषा, जैसे कि आप बता रहे थे कि आपने तीनों खान के साथ काम किया, ये तीनों खान के बारे में कुछ बताइए. हाउ डिफरेंट आर दे फ्रॉम ईच अदर? Well, they are quite different in terms of, you know, Shah Rukh is a lot of energy, a lot of, I think I see him with a lot of intelligence. Okay. You know, he's budding with energy and intelligence. Okay. That's how I see him. Ji. Okay, and I see Salman, who's very masculine, he's a very good-looking man. Ji. Or Aamir Khan? He is a person who will rehearse till no end till he gets the perfect shot. He's a perfectionist. He's an utterly perfectionist. How he will dub, with what intensity, whether this word and that, this thing is okay or not, whether this performance or how I should be performing. Or actually, honestly speaking, मुझे उनकी फिल्में आजकल बहुत 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 अच्छी लगती हैं. मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करने में. जब फिल्म ख़त्म हो गई तो वो आके मुझे बुलाया उन्होंने और कहा, मनीषा एक बात बताओ कि तुम्हारा जो ये हवा है इंडस्ट्री में कि तुम बहुत अनप्रोफेशनल हो, तो ये तो हमने तो कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, तो ऐसा तुम्हारा इमेज और वास्तविकता तुम्हारी अलग क्यों है? तो मैंने कहा, ये अच्छा है ना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं बुरी हूँ और अच्छी निकली. तो इट्स बेटर नॉट टू डिसअपॉइंट यू एंड टू सरप्राइज यू इन अ गुड वे. तो वी ऑल जस्ट लाफ्ड अबाउट इट. और ऐसा भी होता है कि मनीषा कोइराला तीनों के साथ अलग अलग लगती है और अलग अलग महसूस करती है. सबके साथ अलग 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 ही है मेरा ताल्लुकात और फ्रेंडशिप अलग, यू नो, एज दे आर आई एम विद देम एज वेल. करेक्ट, करेक्ट. और आपको एक बार किसी ने उनके घर में ताक झांक करते हुए पकड़ा था, याद है ना? किसका घर था वो और किस सुपरस्टार ने आपको पकड़ा था, इसका खुलासा होगा बिग टॉकीज पर मेरे यानी भावना सुमाया के साथ 92.7 बिग FM. और आज की मेहमान है मनीषा कोइराला. 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज, मशहूर फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सुमाया के साथ. मैं हूं भावना सुमाया 92.7 बिग FM पर. आज की मेहमान है मनीषा कोइराला और हम बात कर रहे हैं बिग टॉकीज पर. 90 के एंड में आपने एक और फिल्म की थी क्योंकि सुपरस्टार थे वो और ये कंट्रोवर्सी थी कि अरे मनीषा उनके साथ छोटी लगेगी, इसलिए चर्चा में रही. और उसमें आपका एक बहुत अच्छा गाना था. जरा गुनगुनाइए. व्हाट इज इट? क्या गाना? हमका लागे रे, हमका लागे रे, समथिंग लाइक दैट. हां,
Well, और इसमें अमित जी ने एक डायलॉग बोला था आपके लिए कि आप सांस कब लेती है, वो बोलने में याद है कुछ ऐसा एक डायलॉग था. So how was it working with अमिताभ बच्चन? Well, you know, it was my dream come true to work with him. My entire family, my bua, my mother, my everyone was crazy, crazy, crazy about Amit ji. और अमित जब मैं बनारस में थी, जब वहाँ पे तो पानी जब बरसती है तो बाढ़ आ जाती है, और पानी इतने इतने पानी में हम लोग बाढ़ में गए थिएटर गए अमित जी की फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए, क्योंकि वो तो मिस नहीं करनी है, वो मिस नहीं करना. तो मेरे बुआ बहुत क्रेजी थी उनकी फिल्मों में, सो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ क्रेज आई हैड फॉर अमित जी, यू नो. सो जब मैं अमित जी के घर भी गई थी तो अमित जी ने नोटिस किया. अमित जी ने कहा, मालूम है जब तुम मेरे घर में पहली बार आई थी तो इधर उधर सब जगह थे. मैं कहा, हाँ देखूंगी, जरूर देखूंगी, कि बड़े सुपरस्टार के घर में आ रही हूँ जिसको मैंने बचपन से देखा हुआ है कि सब लोग क्रेज है उनके पीछे, तो मैं सब देख रही थी. तो जब उनके साथ काम किया, उन्होंने नोटिस किया था कि हाँ, कि स्टेयरिंग एट एवरीथिंग, एंड आई वाज लाइक, कि एक बार आई हूं तो सब देख लूं, लाइक आई वाज इन एलिस इन वंडरलैंड, यू नो, दिस इज अमिताभ बच्चन हाउस. सो एनीवे, सो उनके साथ काम करते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लगा. मेरी पूरी फैमिली वॉज वेरी हैप्पी, माई मदर वॉज वेरी हैप्पी, एंड यू नो, सो इट वॉज अ ग्रेट प्लेजर एंड ग्रेट ऑनर टू वर्क विथ हिम. और एक बड़ी सरप्राइज है, लंबे अरसे के बाद आप हमें ऐसी सरप्राइज दे रहे हो, बड़े पर्दे पर एक और फिल्म में लौटे हो. वापस आकर जानेंगे आपकी नई फिल्म चेहरे के बारे में. सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम, मेरे यानी भावना सोमाया के साथ, अलोंग विद मनीषा कोइराला. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज, मशहूर फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया के साथ. मैं हूं भावना सोमाया, 92.7 बिग एफएम पर. मेरे साथ है मनीषा कोइराला और हम बात कर रहे हैं हमारे बेहतरीन और बहुत ही जल्द पॉपुलर हो गया शो बिग टॉकीज. आज आपका ये फंड रेजिंग में काफी समय जाता है, बहुत सारे लोगों को आप मदद करते हो. आजकल तो आप अपनी फिल्म की प्रमोशन कर रहे हो चेहरे, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है इसकी, है ना? बहुत, इनफैक्ट चेहरे में काफी मेलोड्रामा, काफी उतार चढ़ाव, और क्योंकि तो ये जो प्लॉट है इसमें फिल्म एक्ट्रेस का पूरा है, तो साइलेंट सिनेमा की, हाँ, तो उस जमाने में कैसा हुआ करता था. एक तो वो पूरा दिखाया कि शूटिंग कैसे हुआ करती थी और क्या जो एनवायरनमेंट था वो, और उसके बाद इस एक्ट्रेस के पर्सनल लाइफ में भी बहुत बड़ा ड्रामा होता था. सो बेसिकली देयर इज वन ड्रामा व्हिच इज इन द स्टेज, देयर इज अनदर ड्रामा इन हर पर्सनल लाइफ, सो इट्स क्वाइट अ इंटरेस्टिंग फिल्म. और वो भी आई थिंक ब्लैक एंड व्हाइट कलर मल्टी ट्रैप्स में शूट की गई है. बिल्कुल, एक तो ये ब्लैक एंड व्हाइट एरा से जो कलर में गया, वो जो साइलेंट एरा से जो साउंड टॉकीज में गया वो, तो पूरा, और एक जैसे कि एक एक्ट्रेस जो एकदम शी वाज अ रूलिंग क्वीन, एंड देन व्हेन शी हैड टू यू नो लूज हर, हाँ, सनसेट बुलेवार्ड जैसा था, तो वो थोड़ा सा इट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग. अभी तबू तो आपकी कंटेम्प्रेरी है. यस yes. और तबू अभी भी एक्टिव है. आप भी आराम से बन सकती हो एक्टर. आपको इसके लिए कुछ स्टेप्स लेने हैं. एक तो मुंबई में रहना है. कोई मुझे पकड़ के यहाँ रख ले तो ठीक है क्योंकि मेरा बस पंख लगे हुए हैं मुझे. कुछ लोग भगवान ऐसे बनाते हैं जिसको पंख देते हैं ताकि वो उड़ते रहे. मैं जानती हूँ क्योंकि आज आपको स्टूडियो में बुलाना कितना मुश्किल था. यस yes. और अब आ गए हो तो कॉफी देनी पड़ी, तब आपने इतनी ज्यादा बात की. मगर एज अ सीनियर मैं सलाह दूंगी कि एक अच्छा मैनेजर अपॉइंट कर लो ताकि जब आपके लायक रोल हो और अच्छा रोल हो तब आप करो. इससे फायदा ये होगा कि हम भी आपको देख सकते हैं बड़े पर्दे पर. जी, I will definitely take that seriously. हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई रियली एंजॉय टॉकिंग टू यू, एंड आई रियली थिंक यू आर एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल एंड सो प्रिटी. थैंक यू सो मच भावना जी, आई थिंक यू आर गॉर्जियस. तो ये थी मनीषा कोइराला हमारे साथ बिग टॉकीज पर. अगले रविवार फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई कहानी और कुछ नए किरदारों के साथ. तब तक सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम.
92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज मशहूर फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सुमाया के साथ।